ये हमारी सीएसटी ने एक अच्छी कार्रवाई की है, यूनिक कार्रवाई है, एक लीक से हटके कार्रवाई है जिसके बारे में शायद कोई सोच नहीं सकता। हमारे पास कल एक सूचना मिली थी कि भांगरोटा इलाके में एक महिमा निर्वाण अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक इजराइल का नागरिक है, वो 15वीं मंजिल पर अपार्टमेंट की छत पर गांजे की खेती कर रहा है। इस सूचना पर हमारी टीम वहाँ पे गई और ये आश्चर्य था कि ये सूचना बिल्कुल सही निकली, सटीक निकली, और वहाँ पर इजराइल का एक नागरिक एलन मॉले नाम का नागरिक है जो बिजनेस वीजा पर भारत आया हुआ है। इसने ये रहता खुद राजा पार्क में एक अपार्टमेंट में है, इसने एक अपार्टमेंट और वहाँ भांगरोटा इलाके में यहाँ किराए पे ले रखा था और इसकी 15वीं मंजिल की छत पे ये ऑर्गेनिक गांजे की खेती कर रहा था, जो गांजा बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का गांजा है। और 2750 स्क्वायर फीट में इसने गांजे की खेती कर रखी थी। हमने 1,080 पेड़ गांजे के जब्त किए हैं। ये ड्रिप सिस्टम जो इसराइल का होता है, बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम, उसके माध्यम से वहाँ और सिंचाई करता था और ग्रीन हाउस टाइप इसने बना रखा था। 180 के आसपास इसने वहाँ ट्यूबलाइट लगा रखी थी ताकि दिन रात इन पौधों को गर्मी मिलती रहे, और ऑटोमेटिक सिस्टम वहाँ पे था, लाइटें अपने आप बंद होती थी, अपने आप चलती थी और इसको जाने की जरूरत नहीं थी। और ये इसने 17,000 रुपये महीने में किराए पे ले रखा था केवल इसी काम के लिए, और यहाँ ये इसकी सप्लाई करता था। इस तरह से ये एक अलग तरह का खुलासा हमारी सीएसटी द्वारा किया गया है। कहाँ से प्रशिक्षण लिया था, कुछ जानकारी सामने आई है? ये इसराइल का है, इसराइल में वैसे ही इस मामले में काफ़ी एडवांस लोग होते हैं, कृषि के मामलों में, खेती के मामले में वो लोग काफ़ी एडवांस हैं, तो ये सारी टेक्निक वो वहीं से लेके आया है। और पौधे इसने अपने हिसाब से तैयार किए हैं, जो इसके पास नॉलेज है उसके हिसाब से तैयार किए हैं, लेकिन इस तरह की चोरी छिपे और किसी को एहसास नहीं हो ऐसी जगह इसने गांजे की खेती करके ये कार्रवाई की। तो फ्लैट वालों को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है या उन्हें भनक भी नहीं लगी थी? अभी हम इसके बारे में पता करेंगे कि फ्लैट मालिक ने किन परिस्थितियों में इसको फ्लैट दिया, जबकि ये वहाँ रह भी नहीं रहा था। इसने स्वयं ही राजा पार्क में रहता है। इसके अलावा इसका एक फ्लैट और जानकारी में आया है, तो ये फ्लैट मालिक को एहसास था नहीं था कि आदमी यहाँ नहीं रह रहा है, फिर भी फ्लैट किराए पे ले रखा है, क्या कर रहा है, अब उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, तब्ती से सामने आएगा कि उसको जानकारी में था या नहीं था। कितने समय से जयपुर में रह रहा था? वीजा कब तक का था? कब आया था ये पूरा भारत? ये पहली बार 2004 में इंडिया आया था और अभी 2019 में बिजनेस वीजा से यहाँ पर आया हुआ था। लगभग पिछले 7-8 महीने से यहीं पर था और ये 2004 से ही लगातार आ रहा है। सर पहले भी इसने इस तरह का काम जयपुर में किया है? अब ये इसके बारे में इसे पूछताछ करेंगे कि पहले भी, अभी तो ये पता चला है कि पिछले ये जो फसल लगाई हुई है इसने पिछले 2-3 महीने पुरानी फसल है, लेकिन पहले भी इसने ऐसा किया है नहीं किया है, ये पूछताछ में सारी स्थिति सामने आएगी। फ्लैट कितने समय से रहेगा? सर फ्लैट इसने लगभग साल भर से किराए पे ले रखा और भी कोई इन्वॉल्व है इसके साथ में? है। हो सकता है कुछ नाम हमारी जानकारी में आए हैं, अभी मैं कोई इसमें स्पष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ नाम और सामने आए हैं कि वो लोग भी इसके साथ में इन्वॉल्व हैं। हमारी पूछताछ जारी है, कोई और भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई।